और पूरी दुनिया जय जयकार करे, पूरी दुनिया भारत माता जय जयकार करे। हिंदू सर्वसुख देश के अंदर, और ये सपना किसी ने सोचा है आके एक नौजवान जो अपने परिवार के एक सदस्य को भी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठना चाहे, वो अभी नौजवान सोचा था। बाद में उनका भाषण उठाइए वीडियो का, उनका भाषण आडियो उनका उठाइए, भाषण सुनाओ जान का। बांध में जब वो भाषण दे रहे थे वो नौजवान, उस समय मुख्यमंत्री भी नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय भाषण उन्होंने दिया था। और आतंकवादियों ने कहा था कि श्री लाल चौक पर श्रीनगर में जो अपने मां का दूध पिया है वो झंडा तिरंगा फहरा के दिखा दे, तो ये सरदार पटेल का सपना था कि श्रीनगर के अंदर तिरंगा झंडा कौन फहराएगा। मित्रों, सपना किसी ने साकार किया जो 92 में भाषण दिया था और उन्होंने कहा कि आतंकवादियों तुम्हें दम है तो मुझे रोक लेना, मैं श्रीनगर के चौक पर आऊंगा और तिरंगा झंडा फहराऊंगा। और मोदी जी ने तिरंगा झंडा फहराया और आज प्रधानमंत्री बने, आतंकवादी को घूस घूस कर मार रहे हैं। और श्रीनगर के अंदर मित्रों, श्रीनगर के अंदर अब आतंकवाद नहीं है। जानते हो किसकी मूर्ति थी? छत्रपति शिवाजी महाराज का राजा के घर में उस मंच पर बैठे हुए थी। यानी राष्ट्रवाद कैसे दिल में गरीब के प्रति, इस भारत मां के प्रति किस प्रकार के कूट कूट के था उनके अंदर। इसी कारण दुनिया के अंदर सरदार पटेल की सबसे लंबी और बड़ी स्टैचू उन्हीं के आंखों में उतर सकता है मित्रों, उन्हीं लगवा सकता है जिनके अंदर भारत मां की, जिसके अंदर भारत मां की एक एक बूंद में भारत मां का जय जयकार होगा, वही मूर्ति लगवा सकते हैं मित्रों। और वह धरती पर लगवाने वाला कोई पैदा हुआ तो आदरणीय नरेंद्र मोदी पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी। सोच कैसे निकलता है, गुजरात की धरती भी अपने अलग प्रकार की, चाहे मुराद भाई देसाई रहे हो, चाहे महात्मा गांधी रहे हो, सरदार पटेल रहे हो, और आदरणीय मोदी जी गुजरात से निकले और वाराणसी को कर्म भूमि बनाया काशी को। जब उत्तर प्रदेश गुजरात दोनों मिल जाए तो क्या स्थिति रहती है। इसलिए मित्रों, आज सरदार पटेल के हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण जी और जिले के अध्यक्ष सूर्य नारायण तिवारी जी आ रहे हैं, कृपया ताली बजा दीजिए, एक बार स्वागत कर दीजिए। प्रतीक जी दोनों लोग साथ ही चल रहे हैं, इसमें दोनों लोग साथ ही चल रहे हैं। जो होटल बंद करा लो भैया, होटल बंद कराओ। जो हमारे संगठन के, हमारे उस बिल के बारे में जो ऐसे किसानों के द्वारा, ये बिल में कुछ भी नहीं है, केवल किसानों का हित है। मंडी भी परमानेंट रहेगा लेकिन किसानों की स्वतंत्रता है, जो कहीं भी बेच सकते हैं। आवाज़ ना,